वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। सिसोदिया ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग बुलाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सिसोदिया आज पार्टी पार्षदों के साथ भी बैठक करेंगे। 14 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा की शुरुआत करेंगे सिसोदिया, उस दौरान लोगों से मुलाकात करेंगे। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया। तो आपको बता दें, इस पदयात्रा के माध्यम से अब मनीष सिसोदिया जन जन तक अपनी पहुंच को बढ़ाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और इन 17 महीनों की पूरी संघर्ष की कहानी बयां करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो रूपरेखा तैयार की जा रही है चुनावों के मद्देनजर भी है,